बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 12। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नेम है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर हैं वो हम तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा, उसके कंसेप्ट को समझा, ठीक है। उसमें एंगल्स देखे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, और उन एंगल्स पे हमने साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, कोसिकेंट की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू, कोट की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमने देखी, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि इन ट्रिग्नोमेट्री के को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है यहाँ पे वो यही है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है, और उनके क्या आंसर्स आएंगे, ठीक है। मतलब अगर हम उनके एंगल्स को यूज़ करते हैं, एंगल्स के साथ जाहिर बात है कोई ना कोई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो उन पे उन एंगल्स की यानी कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू आएंगी, उन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे मतलब इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन जो है वो देखना है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस नहीं तो हम इसका फर्स्ट जो है वो पहले इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये देखें एक ट्राइंगल है, जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का यहाँ पे नेम चले रख लेते हैं, ए वर्टेक्स, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए वर्टेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है दो साइड्स आपस में मिल रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये ए वर्टेसिस है। इसी तरह बी सी ये सारे वर्टेसिस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब तीन नेम है इसके। ये जो ट्रायंगल है क्या होती है, ऐसी शेप जिसमें थ्री साइड्स आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री साइड्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो सी वर्टेक्स है ये वाला, इसके ऑपोजिट हम यहाँ पे एक नाम रख लेते हैं इस साइड का, ए बी साइड का, सी स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। और कैपिटल बी यहाँ पे है वर्टेक्स, तो इसके ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है अंदर हमारे पास एंगल भी होंगे, यहाँ पे एंगल भी होंगे, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने ए साइड की बात की है, इस ए साइड के ऑपोजिट जो एंगल है उसका नाम हम अल्फा रख लेते हैं, इस बी साइड के ऑपोजिट एंगल का यहाँ पे नाम रख लेते हैं बीटा, और इस सी साइड के मतलब इस सॉरी यहाँ पे बी साइड के ऑपोजिट वाले का नाम बीटा, और यहाँ पे इस सी के ऑपोजिट साइड वाले का नाम गैमा, ठीक है। तो मतलब जो है यहाँ पे आप देखें तो ये टोटल कितने एलिमेंट इसमें बनते हैं, इसमें थ्री साइड्स बनती हैं और थ्री एंगल्स बनते हैं, मतलब जो टोटल है यहाँ पे सिक्स एलिमेंट हमारे पास बनते हैं, सिक्स एलिमेंट टोटल जो है यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इन सिक्स एलिमेंट्स की वैल्यू को हमने जो है वो फाइंड करना है, लेकिन आपको सिक्स एलिमेंट में से जो है वो कुछ वैल्यूज जो है वो पता भी होनी चाहिए। जैसा कि अगर टोटल सिक्स हैं तो कम से कम आपको उसमें तीन साइड्स, थ्री जो है वो एलिमेंट्स आपको लाजमन पता होने चाहिए, तो उसकी मदद से आप बाकी तीन एलिमेंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब थ्री एलिमेंट्स शुड बी गिवन, मतलब थ्री एलिमेंट्स आपको कम से कम लाजमन पता होने चाहिए, ठीक है, और थ्री एलिमेंट्स में से एटलीस्ट वन साइड्स आर गिवन, मतलब तीन साइड्स में से कम एक साइड आपको लाजमन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक साइड हो जाए, दो एंगल हो जाए, ठीक है, दो साइड्स हो जाए, एक एंगल हो जाए, मतलब
कम से कम एक साइड आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब तीन हमें जो है वो एलिमेंट गिवन होंगे, बाकी तीन हमने जो है वो फाइंड करने होंगे, ठीक है ना। अब देखें एंगल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें अभी तक आप 9th चैप्टर में आपने टेबल भी, बल्कि एक 9th चैप्टर में मैंने आपको बनवाया था, ठीक है। उस टेबल में आपने वैल्यू देखी थी, मतलब 0 की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज आपने देखी थी। अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो एंगल आए वो इसी मतलब वैल्यू के आए, 30 के आए, 45 के आए, नहीं। एंगल अब जो है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि 65 हम ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल क्या होगा मतलब 55 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल होगा, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब आप देखें हमने तो मतलब देखे ना, अब जब ये वैल्यू हमने पढ़ी थी तो इनके साथ हमने साइन को देखा था, कोस को देखा था, टेंजेंट को देखा था, कोसिकन को देखा था, सीकेंट को देखा था, ठीक है। कोट को देखा था, मतलब साइन 30 क्या होता है, कोस 30 क्या होता है, टेंजेंट 30 क्या होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने तो टेबल पढ़ा चैप्टर नंबर 9 के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो ये वाली ना आए, फिर आप यहाँ पे इसको मतलब किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये 65, चले ऐसा करते हैं कि इसको 63 कर देते हैं, 63 हो जाए ये, और 57 ये हो जाए, ठीक है। तो मतलब अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, अब कैसे मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसकी वैल्यू जो है वो हमने मतलब देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में हमने डिस्कशन करनी है वो इसी पे करनी है कि इन एंगल्स पे मतलब जो है वो हम वैल्यूज को किस तरह से निकालेंगे। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे मतलब, तो अभी तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो वहां पे जाके मतलब आपको यहाँ पे बताएंगे। मतलब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.899, ये वैल्यू आपको बता दी जाती है। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो नहीं गिवन, थीटा आपने एंगल जो है वो फाइंड करना है। थीटा किस तरह से आप निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.899, मतलब यहाँ से थीटा फिर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं जब एक्सरसाइज में जाऊंगा फिर आपको मैं यहाँ पे जो है वो बताऊंगा।